नर्मदे हर। देखिए अभी हम हैं तो नर्मदा जी की ही रेंज में, और चूंकि यहाँ से पैकमावासी भी निकलते हैं तो कहा जाएगा नर्मदा जी के ही किनारे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है कोकरा मठ। जी हाँ, मैं इस समय हूँ कोकरा मठ में, और ये मंदिर भी यह है। और इसकी कहानी बताते हैं कि दो मत हैं इसके मठ को लेकर के। एक तो कहानी यह है कि एक बंजारा था जिसने यहाँ किसी सेठ से या राजा से कर्ज लिया था, और कर्ज के स्वरूप अपने कुत्ते को गिरवी रख गया था। एक लोगों का मत यह है कि कलचुरी काल में राजा कौकल्य देव ने गुरु शंकराचार्य के ऋण से मुक्त होने के लिए ये मंदिर बनवाया था, इसलिए इस मंदिर को ऋण मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। तो मंदिर को ऋण मुक्तेश्वर और ये स्थान को कोकरा मठ। और आइए अब इसकी कहानी। यहाँ पर एक आश्रम है, महाराज जी से मिलते हैं, महाराज जी से इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहानी है और क्या है। आइए देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर, नर्मदे हर जी भगवान। प्रभु जी अपना शुभ नाम। मेरा शुभ नाम छोटा सा नाम है, सदगुरुओं का नाम रखाया हुआ गुरु संतों से, ब्रह्मचारी सच्चिदानंद। ब्रह्मचारी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। अच्छा अच्छा, तो प्रभु यहाँ इस आश्रम पर आप कितने समय से हैं? इस आश्रम से मैं लगभग 5 वर्ष से रह रहा हूँ। 5 वर्ष से? जी हाँ। इससे पहले कहीं और रहते हो? पहले मैं मार्कंडे आश्रम अमरकंटक में रहता था। अच्छा अच्छा, मार्कंडे आश्रम अमरकंटक। जी तो भगवान, मार्कंडे आश्रम अमरकंटक ये कहाँ पर है? अमरकंटक में जो है, जो ये है नर्मदा मैया के उद्गम स्थान से कौन दिशा में पड़ता है ये मार्कंडे आश्रम? उत्तर में पड़ेगा। उत्तर में पड़ेगा। मार्कंडे की तपस्ली है, तपोस्थान है, उसी के नाम से उसका नाम मार्कंडे आश्रम नाम पड़ा है। तो वहाँ का बताऊँ कि यहाँ का बताऊँ? चलो हम ये जानना चाह रहे हैं वो यहाँ पर अमरकंटक से, अमरकंटक तो बहुत अच्छा स्थान है, मैया का उद्गम स्थान है, तो अमरकंटक से यहाँ आपका कैसे आना हुआ? हमारा आना इस प्रकार से हुआ कि हमारे अग्नि अखाड़ा के ब्रह्मचारी नर्मदानंद ब्रह्मचारी यहाँ रहा करते थे जी, कम से कम 50 वर्ष से जी। उसके पूर्व में उनके गुरु शंकरानंद ब्रह्मचारी रहा करते थे जी। यहाँ पर एक प्राचीन स्थान है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का जी, उन्हीं के जगह में शंकरानंद ब्रह्मचारी रहा करते थे और वहीं वहाँ पूजा पाठ करते थे जी। जी फिर वो संतल गवर्नमेंट पुरातत्व में जाने के बाद फिर यहाँ पर इस जगह में उनने श्री गुरु शंकरानंद ब्रह्मचारी सेवा आश्रम के नाम से श्री पंच अग्नि अखाड़ा कुकर्रा मठ डिंडोरी इस आश्रम का नाम रखा गया है। अच्छा अच्छा। और वो ब्रह्मलीन होने के बाद फिर उनके शिष्य नर्मदानंदचारी, उनके शंकरानंदचारी के गुरु शिष्य शंकरानंदचारी के शिष्य नर्मदानंद, वो उनके शिष्य यहाँ के महंत बने। और यहाँ पर 16-17 एकड़ ज़मीन है और यहीं के वो यहाँ के महंत थे और यहीं पर वो भी ब्रह्मलीन हो गए। जब वो ब्रह्मलीन हो गए तो हम अमरकंटक में रहते थे मार्कंडेय आश्रम से, फिर वहाँ से हमको श्री पंच अग्नि अखाड़ा के पदाधिकारी लोगों ने, सभापति ने हमको यहाँ भेजा कि जाओ इस स्थान को आप संभाल लेना। तो आज लगभग 5 वर्ष से मैं इस स्थान को देख रेख सारी व्यवस्था के साथ में देख रहा हूँ और इस आश्रम में मैं रह रहा हूँ। अच्छा भगवान, ये गढ़ मुक्तेश्वर जो है, गढ़ मुक्तेश्वर तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी हमारे गढ़ मुक्तेश्वर जहाँ की चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर हमारे एक ब्रह्मचारी जी रहा करते हैं जी। तो यहाँ एक प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्व है कि दुनिया के लोग जी, दुनिया के लोग इस स्थान का दर्शन करने के लिए आते हैं, और जिसको जो ऋण आपत्ति, ऋण का भार है, जो ऋण है आप परेशानी जी, वो भोलेनाथ की कृपा, ऋण मुक्तेश्वर नाथ कृपा से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा अच्छा जी, यहाँ ऋण उतारने के लिए लोग आते हैं जी, ऋण उतारने के लिए आते हैं, किसी भी तरीके बिल्कुल उतर जाता है। बहुत बहुत बढ़िया स्थान है। अच्छा,
ये आप गए, आप गए नहीं वहाँ पर? हाँ जाएंगे अभी जी, अभी जाएंगे आपके, इसके बाद थोड़ा फोटो लेके आएंगे। अच्छा ये पांडव कालीन, पांडव जी जी ऐसे बताते हैं, बताया जा रहा है तो उसी काल का है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक प्रकार से बता रहे हैं सात मंदिर थे, सात मंदिर से मात्र एक ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव बचे हुए हैं। अच्छा अच्छा, बनता था और शायद सुबह हो जाती थी, इसको भी बनाया गया है तो शायद दीपक दीपक नहीं रख पाए थे और सुबह हो गई। अच्छा अच्छा, नर्मदा परिक्रमा करने के बाद यहाँ के अगर दर्शन नहीं, ऋण मुक्तेश्वर का ऐसा महत्व है, नर्मदा पुराण में सुपुराण के अंदर इसका वर्णन है कि पूरे दुनिया के नर्मदा का परिक्रमा का दर्शन कर ले लोग, यदि ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया तो उसका दर्शन और परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। अच्छा, ऐसा इसका महत्व है और वास्तव में हकीकत है बात, यानी इनके दर्शन करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। और जितने भी नर्मदा परिक्रमा वासी, अब तो शुरू हो जाएगा अमर नर्मदा परिक्रमा देवउठनी हो गई, तो नर्मदा परिक्रमा बहुत हजारों हजारों की तादाद में लोग नर्मदा परिक्रमा का दर्शन करते हैं जी, और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करके हमारे स्थान से अन्य क्षेत्र पा करके जी, अन्न पा करके फिर इसी मार्ग से दर्शन करके वो डिंडोरी जिला में प्रवेश कर जाते हैं। तो सभी पकड़वासी यहीं से निकलते हैं जी? हाँ, ये इसी मार्ग से निकलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा अभी इसी मार्ग से जाते हैं। अच्छा अच्छा, और श्री गुरु शंकर ब्रह्मचारी सेवा आश्रम में अनुच्छेद चल रहा है, बरसों बरसों से अनुच्छेद चलाया जा रहा है, और जितने भी नर्मदा पकड़वासी कोई भी आवे, भूले भटके कोई भी आवे, यहाँ पर अन्न पा करके सेवा पा करके वो फिर यहाँ से रवाना होता है। अच्छा, ये वहाँ का ये। अच्छा जी, ये ऋण मुक्तेश्वर का ये मतलब जी 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 जी। चलिए भगवान, स्थान तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ आश्रम में परिक्रमावासियों की सेवा वगैरह भी होती है? हाँ होती है ना, होता है ना, ऋण जितने भी परिक्रमावासियों को चाय पानी भोजन रोकना। अच्छा, रोकते भी हैं? रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं। अच्छा अच्छा, वो रहना चाहे तो चतुर्मासा भी यहाँ कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ चतुर्मासा कर सकता है, यहाँ का अन्न जल ग्रहण करे, यहाँ पर बनावे खावे, नहीं खावे तो हम खुद बना के खिलाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी जी। कुछ जमीन लगी होगी वो? और ये जमीन जो है एक चौकसे थे कलार जी, वो यहाँ का इस गांव का मालगुजार था, कोमल चौकसे नाम था उसका, यहाँ का मालगुजार था, उसके 400-500 एकड़ जमीन थी और यहीं पर मालगुजारी करके, और यहाँ पर करीब 16-17 एकड़ जमीन यहाँ पर श्री गुरु शंकर ब्रह्मचारी के नाम से कर करके दान करके, दान पत्र में लिख करके दे दिया था कि इस आश्रम के जो भी नर्मदा प्रकमवासी साधु संन्यासी आवे उनकी इस जमीन के द्वारा भाण पोषण और भोजन प्रसाद उनको मिलता रहे। महाराज जी, इस जगह का नाम कुकर्रा मठ क्यों पड़ा? ऐसा यहाँ पे कुकर्रा मठ बाबू इसलिए नाम यहाँ पड़ा कि यहाँ पर पुराना इतिहास है, बताते हैं लोग बाग जी कि यहाँ पर राजा रहते थे जी। राजा यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा आदमी था, तो यहाँ पर एक बंजारा को ज़रूरत पड़ी कि राजा के पास जाएं, सेठ के पास जी, तो कुछ में कुछ हम पैसा ले लें जी। तो उसके कुछ नहीं था जी, कुत्ता था, कुत्ता बड़ा लगनशील था यानी वफादार कुत्ता था जी। तो उसको राजा के यहाँ गिरवी रख दिया जी। जब गिरवी रख दिया और चला गया गिरवी रख के, तो राजा के पास वो कुत्ता रहता था। एक दिन राजा की चोरी हो गई जी। जब राजा की चोरी होती है तो वो कुत्ता बैठे बैठे सब देख रहा था, तो वो चोरों ने जा करके सामान तालाब में डाल दिया। जब सामान तालाब में डाल दिया, सुबह राजा को ये हुआ कि चोरी हो गई जी। पता लगाने लगा इधर उधर जी। तो वो कुत्ता उसको धोती को पकड़ पकड़ के, राजा धोती पहने हुए थे तो राजा की धोती पकड़ करके तालाब की तरफ खींच रहा था। तो वो तालाब की तरफ जब खींच ले गया, तब वो तालाब में ढूंढवाया तो वहाँ उनका सामान मिल गया। तो वो कुत्ता बड़ा जानकार था, तो उसको सोचा कि यार अब ये तो हमारे ऋण से मुक्त हो गया, ये गिरवी रखा गया था। तो उसको एक कागज़ में
पर्ची बना करके उसके गले में बांध दिया और बांध करके उसको उसके घर वापस करने लगे। तो इधर से कुत्ता जा रहा था और उधर से कुत्ते का मालिक आ रहा था। अच्छा अच्छा तो बंजारा उस भी उसको ऋण उसका देना था, तो वो अपना कुत्ता लेने आ रहा था, इधर से कुत्ता जा रहा था, तो दोनों की मुलाकात हो गई। जब दोनों की मुलाकात होती है तो बंजारा सोचता है कि बगैर मेरे बुलाए मेरे पूछे ये रास्ते में क्यों आ रहा है मेरा कुत्ता, तो उसको गोली मार दिया उसने। फिर जब वो गिर जाता है कुत्ता, तो उसको उठा के देखता है तो उसके गले में पर्ची बंधी थी। तो जब पर्ची बंधी थी तो देखा कि यार ये तो इसमें लिखा है कि आज से मेरा ऋण मुक्त हो गया। अरे तो जब वो ऋण मुक्त हो गया तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। इसी तरह इस गांव का नाम कुकर गांव पड़ गया। कुकर गांव। फिर कुकर गांव से हमारे संत मुनि रहते थे, ऋषि रहते थे जी। स्वामी शंकरानंद महाराज जी। तो उन्होंने इस गांव का नाम कुकर्रा मठ रख दिया। अच्छा, इस तरह से इसका नाम कुकर्रा मठ पड़ा। ये अब यहाँ संत राहत में इसी रहते कुकर्रा मठ कहते हैं जी। हाँ, बड़ा अजीब नाम लग रहा था कुकर्रा मठ। कुकर्रा अरे अभी बाहरी लोग पूछते हैं कि कौन सा गांव के आदमी कुकर्रा मठ का नाम नहीं बोल पाते बराबर। कुकर्रा मठ बोले कहते हैं, कुकर्रा मठ बोले था। और कुकर्रा मठ अभी भी महाराज जी की फोटो लगी हुई है और उसमें नीचे कुकर गांव लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा जी हाँ, अभी ऐसे लिखा। ये कहाँ पर है फोटो? अंदर है ना, धोनी में है। चलिए देख लेते हैं। हाँ चलिए प्रभु, मतलब तभी से धोनी बराबर जागृत है। हाँ जागृत है। तो महाराज जी को कितने समय हो गया शरीर पूरा हुए? ये पूरा हुए तो उनको महाराज जी करीब करीब 40 साल 50 साल हो गए होंगे। अच्छा अच्छा, अब पूछ लूँ क्यों गुरु? हाँ फोटो ले लेंगे ना महाराज जी की। ये पुराना ही आश्रम है। अभी पुराना आश्रम है। हाँ जी, ये आश्रम हमारी समझ से लगभग 100 वर्ष पुराना होगा। जी जी जी, 50-60 तो मान लीजिए सर, 50-60 से कम नहीं। अरे वाह, 40 साल हो। ये देखिए बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर, तो भगवान के लिए। ये कहाँ? ये महाराज जी की। जी जी महाराज जी हैं, वो फोटो लगी है, ये फोटो लगी है महाराज जी की। ये महाराज जी फोटो। जी हाँ, तो कुकर ही मठ लिखा है सर। हाँ हाँ, दोनों में ही कुकर मठ लिखा है। अच्छा हाँ, कुकर मठ लिखा है, कुकर्रा मठ। ये फोटो तो सब बाद में बनी है, तो हाँ। वो जो अभी प्रचलित नाम है वही लिख दिया उन्होंने। हाँ, और ये जो है अभी चाहिए महाराज जी के 5/5/2021 को ब्रह्मलीन हुए। अच्छा 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 जी, ये नर्मदा नंद जी। नर्मदा नंद जी, नर्मदा नंद ब्रह्मचारी जी, श्री पंच अग्निया अखाड़ा कुकर्रा मठ। अच्छा, आप इनके बाद आप आ गए यहाँ पर। बहुत बहुत सुंदर। ये भगवान की समाधि है। ये समाधि है नर्मदानंद ब्रह्मचारी जी की। और ये उनके गुरु जी थे श्री गुरु शंकरानंद ब्रह्मचारी जी। अच्छा, ये श्री पंच अग्नि अखाड़ा के श्री महंत थे। उनके बाद ब्रह्मलीन होने के बाद फिर ये यहाँ के महंत चुने गए, यहाँ के महंत बने जी जी। और ये वो नर्मदानंद ब्रह्मचारी का नाम है। ये श्री पंच अग्नि अखाड़े के श्री महंत थे जी। और यहाँ पर ये पूरी जमीन का देख रेख सारी व्यवस्था उनके सानिध्य में होता रहा। अच्छा, और 28/5/2021 को यहाँ पर ब्रह्मलीन हो गए जी जी। यहीं पर इनकी भूमि समाधि दी गई है। ये बहुत ही प्राचीन दर्शनीय स्थान है। देश देश विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, अच्छा। श्रद्धालुगण आते हैं। तो भगवान, आश्रम से जमीन कितनी लगी है? यहाँ जमीन करीब करीब वर्तमान में भी 16 एकड़ है। अच्छा, 5 एकड़ जमीन यहाँ से 1 किलोमीटर बल्लारपुर हार में है। हाँ। और यहाँ पर इस परिधि के दायरे में करीब करीब 11 एकड़ है। अच्छा, ये भगवान पौधा किसका है? ये पौधा है बन आदा है। बन आदा। हाँ, बन अदरक। हाँ, अच्छा अच्छा, ये बन अदरक है। गुलबकौली ऐसी होती है कुछ? हाँ, गुलबकौली दूसरी क्वालिटी के होती है, होता ऐसे ही झाड़ है। और ये पत्थरचट्टा के फूल है? ये पत्थरचट्टा है जी, ये पत्थरचट्टा है, ये बेल का झाड़ है। और 1985 में ब्रह्मलीन हुए, 1985 का एक खम्भा खड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें तारीख दिन लिखा हुआ है। अरे जी वाह,
और 85 से ऐसे ही खड़ा है तब हाँ, से ना दीमक लगी ना उसमें हाँ कुछ नहीं। अब देखो ना इस दशा में है हो गई है लकड़ी के मरे तो इसका आप पूरा जो है वीडियो बना लें। ये देखने से ही लग रहा है भगवान काफी पुराना है, देखो ना बहुत पुराना। और ये शंकरन ब्रह्मचारी की कुटिया है, बहुत प्राचीन कुटिया, इसी अच्छा, में रहा करते थे। अच्छा, इसी में नर्मदा उनके जाने ब्रह्मलीन होने के बाद नर्मदा जी रहने लगे। अच्छा अच्छा, नर्मदा नंद के बाद मैं इसी जगह में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ अभी कोई नया कुछ बना नहीं, नर्मदा नंद के कार्यकाल में प्रधानमंत्री योजना से ये बना है, बाकी ये सब पुराना है। तो भगवान जैसे ये जमीन है 16 एकड़ जी, तो इसकी जो फसल असल होती है जी, इसका फसल होती है तो इसका जो फसल आता है जी, तो इस फसल को हम नर्मदा परिक्रमावासी को अनुच्छेद अच्छा, के रूप में उनको खिलाते हैं, अनुच्छेद चलाते हैं अनुच्छेद। अच्छा, अच्छा। कम से कम संकल्प ब्रह्मचारी के समय से अनुच्छेद यहाँ निरंतर चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। और जितने भी नर्मदा प्रकवासी कोई भी भूला भटका मानो आवे और लोग आए कोई भी और यहाँ पर अन्न पा करके जाता है, मतलब आश्रम अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। नहीं अपने लिए कुछ नहीं कर, सब परमार्थ का काम कर रहा है, परिक्रमावासियों सब लोग परिक्रमावासियों के लिए, कोई साधु संत सन्यासी परिक्रमावासी जो भी हो रात बिरात किसी भी टाइम में आ जाए उसी वक्त उनको यहाँ भोजन प्रसाद, वो अपने हाथ बनाना पसंद करता है तो हाथ से बना ले, अपने हाथ से नहीं बना सकता तो हम स्वयं बना के उनको खिला देते हैं, चाय पानी की व्यवस्था सारी व्यवस्था आश्रम खर्च उठा लेता है। और इसमें गुरु पूर्णिमा शरद पूर्णिमा और नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा अश्विनी नवरात्रा, इन नवरात्रा में यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। अभी हाल ही के दिनों में यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक अनुष्ठान में हम बैठे, माता रानी माँ दुर्गा नाम की यहाँ पर स्थापना किया और 9 दिन तक अनुष्ठान किया व्रत रख करके, और हजारों हजारों तादाद में लोगों का श्रद्धालुओं के यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई जी। सारे सारे गांव के लोग यहाँ आते हैं, तन मन और धन से समर्पित होकर के यहाँ की सेवा करते हैं और अच्छा योगदान करके लोगों को संतुष्ट करके फिर यहाँ से वो अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। नर्मदे हर हर महादेव।